बराबर है। वेल्थ है वो हमारी हेल्थ है जो हमारे साथ रहेगी। कंपनी कौन देगा हमको अंतिम सांस तक? वो हमारी हेल्थ। हेल्थ है तो सब कुछ है, बराबर है। हेल्थ है तो आपको जो चाहिए वो सब कर सकते हैं। आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, काम करना है तो काम कर सकते हैं, खेलना है तो खेल सकते हैं, बिजनेस करना है तो बिजनेस कर सकते हैं, एडवेंचर करना है तो एडवेंचर कर सकते हैं, नाचना है तो नाच सकते हैं, धर्म ध्यान करना है तो भी हेल्थ की जरूर है, अध्यात्म के लेवल पे भी जरूर है, जंगल में जाना है तो भी जरूर है, पहाड़ों पे जाना है तो, हिमालय पे जाना है तो भी जरूर है। ऐसी कोई एक जगह बताओ जहाँ हेल्थ की जरूरत नहीं है? सभी जगह। नहीं, कोई एक जगह तो होगी जहाँ हेल्थ की जरूरत है? मरने के लिए, मरने के लिए तो जरूरत नहीं है, तभी हेल्थ की जरूरत है। मैंने बताया जो दो के वो मिलेगा। आपको हेल्दी बॉडी छोड़ के जाना है, ये नहीं है रूखा सूखा देंगे तो वही ओपनिंग बैलेंस आएगा। बैलेंस तो वही है, क्लोजिंग बैलेंस इज ओपनिंग बैलेंस। जो आलसी लोग होते हैं ना, उनको हेल्थ चाहिए नहीं चाहिए? उनको बहाना चाहिए, सर टुडे आई विल नॉट बी कमिंग टू द ऑफिस, मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, क्रिकेट की मैच देखनी है, क्या करें? ऐसा बोल दो ना, हेल्थ बॉस बोले ओके टेक केयर, टेक रेस्ट, मैच देखेंगे, घूमेंगे, घंटे फाफड़ा खाएंगे, फिर भजिया खाएंगे, फिर वो ऊपर वाला बोलेगा भैया इसको तो बीमारी में मजा आता है तो तथास्तु, फिर ये बीमारी रहेगा, समझ रहे हैं? ऊपर वाला तथास्तु कर देता है, आपके अंतर के भाव है उसको क्या करता है? तथास्तु। अगर मुझे हेल्दी रहने का भाव है तो तथास्तु, बीमार रहने का भाव है तो, समझ गए? क्लियर? क्लियर। तो तथास्तु आपके अंतर के भाव के साथ हो जाता है। अंदर जो भगवान बैठा है ना वो आपके भाव को देखता है, जैसे भाव है उसको तथास्तु कर देता है। वो था ना किसमें से वो आ जाता है, अल्लाहुद्दीन का चिराग जिन आ जाता है, हमारे अंदर भी जिन होता है, वो किसको सुनता है? हमारे भाव को, और वो कर देता है, समझ गए? यही सबकॉन्शियस है। सबकॉन्शियस क्या है? आपके अंदर का जिन, आपके अंदर के जो भाव है उसको तथास्तु कर देता है, इसलिए अच्छे भाव रखो। समझ में आया? और जिंदगी के अंतिम सांस तक कंपनी ये देगा। देखो आपकी लाइफ में कितने आए और कितने गए, बचपन से ले लो, आज किसी कितनों के माँ बाप है नहीं है, जो भी है भाई बहन रिश्तेदार से दोस्त वगैरह आए गए है कि नहीं, और भी आएंगे जाएंगे, तो ये तो चल खेल चलते रहेगा। लेकिन इसके साथ अगर आपकी दोस्ती आपकी फ्रेंडशिप हो गई और इसको अगर आपने संभाल के रखा, पैसे और आए और गए वो भी हुआ कि नहीं, लेकिन ये अगर आपके साथ टिक गया तो आपको दुनिया की कोई फिक्र नहीं। अगर आपको बेफिक्र बनना है, फकीर बनना है, तो सबसे पहले किसके लिए मेहनत करोगे? हेल्थ के लिए। सुबह उठ के पैसे के लिए, उठने के साथ अरे उसका पैसा नहीं है, फोन मारा पीछे वाले को, पैसे पैसे की जगह है नहीं, नहीं उसका वैल्यू है, लेकिन इतने मत हो जाओ कि सबको सैक्रिफाइस कर रहे हो। मनी एट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ, सर्टनली नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ। इतना इक्वेशन भी समझ गए तो बहुत बड़ी बात है। लाइफ इज फॉर सेलिब्रेशन, ओके? ये मटका भरने को रखा है, कब तक भर जाएगा? नहीं भरेगा, नहीं भरेगा, क्यों नहीं भरेगा?
उंदा है उंदा है रिश भाई रिश भाई रिश भाई नहीं बनेगा वो क्या ज्ञानी ज्ञानी सबको मारो ये उल्टा है 5000 साल से ये उल्टा पड़ा है किसी को नहीं पता चला यही शिविर में आप सबको बड़ा पता चला तालियां बजाओ यार क्या करना पड़ेगा भर जाएगा भर जाएगा भर जाएगा 5 मिनट में और आपको क्या लगता है 5 मिनट या 2 मिनट या 10 मिनट में भर जाएगा तलिया फूटा है तो नहीं भरेगा कुछ खड्डे पड़ गए तो कुछ क्रैक आ गई तो नहीं भरेगा बराबर है तलिया फूटा है तो कुछ नहीं होगा कुछ अंदर खड्डे पड़ गए तो खड्डे के लेवल तक तो भरेगा ना बराबर है और कुछ क्रैक आ गई है फोर्स ज्यादा है तो भर तो जाएगा लेकिन टिकेगा नहीं थोड़ी देर में खाली हो जाएगा ऐसा ही कुछ यहाँ होता है कुछ तलिए फूटे आप जनरली तो आते लेकिन अरे क्या है साला ये बोल रहा है कैसे भी अब फंस गया हूँ कैसे जाऊं तलिया फूटा है कुछ भी है तो भी नहीं हो रहा है दिमाग में चढ़ता ही नहीं है कुछ आए होंगे निकल भी गए होंगे पता नहीं पहले दूसरे दिन में तो पता नहीं है या तो आते ही नहीं है क्योंकि तलिया फूटा है बहुत सारे यहाँ आए हैं ये तो मेरे से नहीं होगा मैं इतना कर सकता हूँ ये मेरे से नहीं होगा तो क्या है गड्ढा है क्या है इतना भरा बाकी सब निकल जाएगा बराबर है इनके नहीं डिफिकल्ट लग रहा है सर ये मेरे से नहीं होगा वेरी डिफिकल्ट डिफिकल्ट है तकलीफ है मेरे से नहीं होगा जिसने बोला वो क्या है खड्डा है क्या है आपने अंदर भरने की संभावना को बंद कर दिया क्रैक है भर तो गया अरे साहब बहुत मजा आ गया बहुत मजा आएगा बहुत तालियां बजा दी अभी तो बस कर लिया कर लिया कर लिया यहाँ तो और कोई करने का चांस भी नहीं है आजू बाजू में कोई छोटी दुकान भी नहीं है लेकिन कभी ना कभी तो छोड़ोगे ना कितने दिन का कोर्स है 8 दिन का 8 दिन के बाद स्प्रिंग स्प्रिंग क्या होगा 10वीं दोपहर तक शाम को फ्री बराबर है जो भी है 10 तारीख को आपको यहाँ फिर आपका फ्रीडम है रास्ते में बराबर यहाँ तो थोड़े रिस्ट्रिक्शंस है वहाँ पे भी रखना है कोई फायदा है वो आपका चॉइस है अगर चले हम फिदा जन वतन साथियों हम तुम्हारे हवाले चॉइस अपनी है कोई गाड़ी लेके आया है गाड़ी ड्राइवर पे चाहिए डोसा खाएंगे समोसा खाएंगे पाव भाजी खाएंगे नहीं ये चॉइस आपकी है सिर्फ बेसिकली मैं आपको ये फैक्ट बताता हूँ याद करवाने से नहीं आपको याद करके भी छोड़ना आना चाहिए आपका आत्मबल होगा तो ही होगा आप छोटे बच्चे नहीं होंगे आपको फुसलाना पड़ेगा देखते चुप बैठ जाएंगे तो पुलिस पकड़ के लेके जाएगा बाहर आएगा तो ये छोटे बच्चे को हम बताते थे कि नहीं बाबा आके लेके जाएगा पुलिस पकड़ के लेके जाएगा आपको भी वही करवाए आपकी समझदारी आपकी ताकत होनी चाहिए आपका आत्मबल ही अभी काम आएगा कितने जन यहां कपल में आए हैं तो जो जो कपल में आए हैं उनका तो काम हो गया तालियां बजाइए उनके लिए
समझाओ, वो चाय पीता है उसको छुड़वाओ। सब पे चाय पे भी चर्चा करेंगे। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर चाय पे चर्चा करता है, हम क्यों नहीं करेंगे? ठीक है। मैंने कपल में वाले को क्यों बजवाया आपको पता है? क्योंकि क्या होता है, दोनों करते हैं ना तो एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, घर का वातावरण बनता है, एप्रिसिएशन होता है,